अनुराग जी, तीन स्टेट के चुनाव जो सबसे अहम है हिंदी बेल्ट में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों में आपकी जीत, किस तरह से देख रहे हैं आप? मारे जी, जीत खास है, जनता को मोदी जी पर विश्वास है, मोदी मैजिक चला है और जनता ने एक ही गारंटी पर विश्वास किया है, मोदी की गारंटी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, कि उन्होंने डबल इंजन सरकार बनाने के लिए जो मोहर लगाई है, हम डबल विकास और सुशासन एंश्योर करेंगे। और ये मोदी की गारंटी ही है, जिसने, अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो वहाँ पर जीत इतनी बड़ी हुई है, ऐतिहासिक हुई है, कि साथ वाले राज्यों को भी लगा कि पिछले 5 वर्षों में भाजपा की सरकार नहीं थी तो बहुत नुकसान हुआ। महिला अपराध और भ्रष्टाचार के मामले बहुत बड़े, पेपर लीक के मामले बड़े, जो वायदे किए थे वो झूठे हुए, तो कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। और छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो महादेव का श्राप कांग्रेस साफ, गौ माता का श्राप कांग्रेस साफ, गंगा जल की झूठी कसम कही थी माँ गंगा का श्राप कांग्रेस साफ, और गरीब जनता के साथ जो भेदभाव और झूठ बोला जनता का श्राप कांग्रेस साफ। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो कोई भी एग्जिट पोल्स आपकी सरकार नहीं बना रहे थे, यहाँ पर तो 53 आ गया, और मध्य प्रदेश 165, इट इज द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ द बीजेपी एवर। मेरा सवाल ये है कि ये तो प्रो इनकम्बेंसी का भी प्रो इनकम्बेंसी, अनुराग जी, सवाल ये उठेगा कि क्या किया आपने सही मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में? मैं पहले छत्तीसगढ़ पे आना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए एटीएम बन गया था, भ्रष्टाचार का अड्डा, उग्राही का अड्डा, और पैसा कमाकर वो केंद्र के पार्टी तक पहुँचाने का काम, भ्रष्टाचार एक के बाद दूसरे, और जनता मान चुकी थी। जैसे महादेव ऐप घोटाला आया, आपको याद होगा उससे पहले मैंने भूपे ऐप लॉन्च किया था वहाँ पर, और मैंने कहा था भ्रष्टाचार करो भूपे करो, यानी कि भ्रष्टाचार करके भूपेश बघेल जी को पेमेंट करो, और ऐसा चिपका। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जाकर जब कहा कि इन्होंने तो महादेव को भी नहीं छोड़ा, तो लोगों को वापस एक बार वापस याद कराना कि शराब घोटाला, कोयला घोटाला, गोठान घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, घोटाले पे घोटाला कांग्रेस के छत्तीसगढ़ का राज्य बन गया था। पेपर लीक एक नहीं अनेक, राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए, तो छत्तीसगढ़ में तो पूरी कांग्रेस का ऐसा लगता था उन्हीं के लिए सरकार नौकरियां निकाल रही है। तो जनता का विश्वास उठ चुका था। जहां मध्य प्रदेश की बात है, आप देखिए, जनता ने जो 1.5 साल देखा बीच में कांग्रेस का, उस समय कांग्रेस के नेता ही उनके छुट्टी पा गए थे, और कांग्रेस के नेताओं ने ही कहा था कि अब कमलनाथ जी की सरकार नहीं चाहिए, हमें कमल वाली सरकार चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के जब फिर अवसर मिला तो शानदार नेतृत्व वहाँ पर शिवराज जी ने दिया, सरकार शानदार चली और डबल इंजन का लाभ लोगों ने देखा, तभी तो वापस तीनों राज्यों में डबल इंजन की सरकार बनाई। अनुराग जी, आप भी ये तीनों स्टेट में कैंपेन कर रहे थे, पर्टिकुलरली यूथ वोटर्स या युवा वोटर के बीच में आप काफ़ी दिखे हैं, मुझे मेरा सवाल ये है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स ने क्यों भाजपा का साथ दिया? वुमेन वोटर्स के बारे में तो अब कहा जाता है कि एक कास्ट न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक जेंडर कॉन्स्टिट्यूएंसी नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हो रही है। देखिए, युवा अपना वर्तमान और भविष्य देखते हैं, और जब वो देखते हैं कि अगर दुनिया अपना भविष्य भारत के साथ देख रही है और भारत के नेतृत्व में विश्वास कर रही है, तो युवा तो बहुत समझदार है भारत का। मोदी सरकार की नीतियाँ जो युवाओं के हित में हैं, स्टार्टअप इंडिया, देखिए भारत कहीं नहीं था 2014 में, आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। आज हमारे जो बाकी मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो या आत्मनिर्भर भारत हो, उसका ये फ़र्क देखने को मिलता है कि भारत 10वें से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हम दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न से लेकर दूध उत्पादन वाले देश बन गए, 2nd लार्जेस्ट हम लोग स्टील से मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गए, और 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गए। एक के बाद दूसरी हमने कीर्ति